अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 यूनिट है बी ब्लॉक एलिमेंट्स और टॉपिक जो है आज का दैट इज द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। टॉपिक है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। उसमें हमें दो कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। नंबर फर्स्ट इज दैट इज द अमोनिया एंड नंबर सेकंड दैट इज नाइट्रिक एसिड। आज का टॉपिक जो है दैट इज द प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अमोनिया। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाउ वी आर इन अ पोजिशन टू प्रिपेयर द अमोनिया। नंबर फर्स्ट इज फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट ऑफ द नॉन वोलाटाइल एसिड्स। प्रिपरेशन है, फर्स्ट प्रिपरेशन है अमोनिया की दैट्स फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट ऑफ द non-volatile acids. For example, ammonium salt of the sulfuric acid, ammonium salt of the phosphoric acid, when these are decomposed at that time the ammonia is formed. So we have the number first that is the from the ammonium salt of the non-volatile acids, such as we have the ammonium sulfate. अगर हम इस ammonium sulfate को decompose करेंगे at that time the ammonia is formed plus sulfuric acid. So first method of preparation जो है ammonia की that is from the ammonium sulfate. अगर हम ammonium sulfate को decompose करेंगे तो ammonia बनता है plus H2SO4 is formed. This is the first method of preparation of the ammonia. Now we have the second important method of preparation of the ammonia that is from the ammonium chloride. From or laboratory method of preparation from ammonium chloride. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे किसको, अमोनियम क्लोराइड को, तो वहां पर भी क्या बनता है, अमोनिया इज फॉर्मड. सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड अमोनिया इज फॉर्मड. Suppose we have NH4Cl, अगर हम इसको ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH3 प्लस बनेगा NaCl प्लस बनेगा वाटर. सो क्या बन गया यहाँ पे, अमोनिया बन गया. दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया दैट इज फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड. अगर हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड को तो वहां पर भी अमोनिया बनता है. फर्स्ट मेथड वाज दैट्स फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट ऑफ द नॉन वोलेटाइल एसिड्स, उनको हम डिकम्पोज करते हैं तो अमोनिया बनता है. सेकेंड वन दैट्स फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड, अगर हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड को तो वहां पर भी अमोनिया बनता है. नंबर थर्ड इज that is the laboratory method of preparation of the ammonia that's from the ammonium chloride. अगर हम ammonium chloride को slaked lime add करेंगे that is the calcium hydroxide add करेंगे वहां पर भी क्या बनता है, ammonia is formed. Number third is that is the laboratory method of preparation of ammonia. Laboratory number third is that is laboratory method of formation of ammonia. तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं slaked lime दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू अमोनियम क्लोराइड, वहां पर क्या बनता है, अमोनिया इज फॉर्मड. वो व्हेन
calcium hydroxide, which is called as slaked lime, is added to ammonia, is added to ammonium chloride, ammonia is formed. Suppose we have NH4Cl, हमने ऐड किया इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया NH3 plus कैल्शियम क्लोराइड plus water is formed. So this is the formation of the ammonia in the laboratory. That's we have the formation of ammonia. How the ammonia is formed in the laboratory? That is by the action of the slaked lime on the ammonium chloride. We have here we have this two times, here we have two times, then we have the water six, we have the water, it is here two times. So the third method of preparation of the ammonia, that's the laboratory method of preparation of the ammonia. हमने कैसे prepare किया ammonium chloride को, हमने add किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर क्या बन गया अमोनिया इज फॉर्म्ड. नाउ वी हैव द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया, दैट इज बाय द हेबर्स. और क्वेश्चन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस. नंबर थर्ड जो है विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट्स मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस. मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया manufacture of ammonia NH3 by Haber's process. अब Haber's process है क्या? Basically it is the reaction between the hydrogen and the nitrogen in presence of the iron as catalyst and molybdenum as promoter where the ammonia is formed. So we have the reaction between the nitrogen plus hydrogen reversibly gives me ammonia in presence of iron as catalyst and the molybdenum as promoter. This is the reaction which form the basis of the process manufacture of ammonia by Haber's process. तो Haber's process में क्या करते हैं हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट आयरन एंड मोलिब्डेनम एज प्रमोटर व्हाइल अमोनिया इज फॉर्मड. नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया. नंबर वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग the formation of ammonia. Number first factor jo hai which affect the formation of ammonia, that is temperature kaisa hona chahiye, it should be high or it should be low. As the reaction jo yahan par reaction hai forward reaction, jab reaction ho jati hai between the hydrogen and the nitrogen to ammonia banta hai. At that time the jo forward reaction hai, it is exothermic in nature, the energy is released. So if we increase the temperature the equilibrium is shifted in the backward direction. Kyun? क्योंकि जो एक्सोथर्मिक इन सपोज दिस रिएक्शन इट टेक्स प्लेस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इफ वी आर गोइंग टू देन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड द अमोनिया, देयर इज एन इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. As the reaction is exothermic in nature, the energy is released which maintains the temperature of 25 degrees. If we give 5 more degree centigrade temperature to this rate, it becomes 30. So equilibrium kis temperature pe attain hota hai? 25. So there should be some amount of energy should be absorbed, and that amount of energy is
absorbed by the ammonia to give back the nitrogen and the hydrogen, which is endothermic in nature. Jo forward reaction hai, that's exothermic in nature, while jo backward reaction hai, that is endothermic in nature. If we are going to increase the temperature, some amount of energy should be absorbed, and when some amount of energy is absorbed by ammonia, it gets converted back into the hydrogen and nitrogen, and there is decrease in the formation of the ammonia. So for the formation of the ammonia, the temperature of the reaction mixture should be very low. So we have as the reaction is exothermic in nature, for the formation of ammonia, the temperature should be low. Initially, we have to give the temperature to this reaction mixture 673 Kelvin, but जो ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, द इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर विच मेंटेन्स द टेम्परेचर एंड द रिएक्शन एंड द प्रोसेस गोज ऑन. इनिशियली हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 673, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन. एंड व्हेन इट गेट स्टार्टेड, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. फिर हमें यहाँ से और एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है विच मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द 673. So this is the first factor which affect the formation of the ammonia, that temperature of the reaction mixture should be low. Number second, the pressure ka kya role hai for the formation of the ammonia. Jo pressure hai wo, that should be high. Kyun? Agar hum dekhenge the number of molecules on the reactant side, it is 3 times, here it is 2 times. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट्स 3+1, दैट्स कॉल्ड द 4. एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 है. तो अगर हम प्रेशर यहाँ से बढ़ाएंगे, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जितना हम ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ज़्यादा उतना ही वो उस डायरेक्शन में चला जाता है, विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड किस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, there is formation, equilibrium is shifted in the forward direction, and there is formation of more and more ammonia. So second factor jo hai, that is pressure should be, the pressure of the reaction mixture should be high. कितना होना चाहिए, 200 एटमॉस्फियर्स प्रेशर, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मोर एंड मोर अमोनिया. एंड नंबर थर्ड फैक्टर जो है, दैट इज कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. कैटलिस्ट जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज आयरन एंड मॉलिब्डेनम, करता है एज प्रमोटर. तो कैटलिस्ट का काम क्या है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मोर एंड मोर अमोनिया. कैटलिस्ट इंक्रीजेस और एक्सेलरेट्स और एक्सेलरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और इंक्रीजेस द फॉर्मेशन और increases the formation of the ammonia. These are the various important factors which affect the formation of the ammonia. Now manufacture of ammonia, जो हम diagrammatically हम उसको कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि we have to dry and purify the two gases. Number first factor जो है, first जो है, we have to first here is nitrogen N2, and then we have the hydrogen N2, and we have the hydrogen here.
First of all, we have to purify these two gases and then we have to dry it. Number first point, you have purify and dry the two gases. Then we have to compress these two gases at a very high pressure. Kitna pressure hame dena hai? 200 atmospheric pressure. Number second jo hai, apply a pressure of 200 atmospheres. नंबर थर्ड फैक्टर जो है, फर्स्ट हमने क्या किया, हमने जो दो गैसेस है हमारे पास, दैट इज द हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन, उनको हमने प्यूरिफाई किया, ड्राई किया, फिर हमने उनको एक चैम्बर में पास किया, दैट्स कॉल्ड एज द कंप्रेसर. कंप्रेसर में हमने उसको वेरी हाई प्रेशर दे दिया एंड देन वी हैव टू सब्जेक्ट इट टू एन अनदर चैम्बर विच इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक चैम्बर एंड दैट कैटालिटिक चैम्बर इज पैक्ड विद द कैटालिस्ट कैटालिटिक चैम्बर कैटालिटिक चैम्बर दैट इज पैक्ड विद द कैटालिस्ट दैट इज आयरन और इसमें क्या होता है मॉलिब्डेनम एंड द टू गैसेस दे कम आउट फ्रॉम द कंप्रेसर एंड दे मूव इनटू द कैटालिटिक चैम्बर व्हाइल द टू गैसेस दे रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एंड फॉर्म द अमोनिया. तो यहाँ पर क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया हाइड्रोजन नाइट्रोजन और अमोनिया का एंड देन दिस मिक्सचर इट देन पासेस इनटू द अनदर चैम्बर दैट्स कॉल्ड एज द कंडेंसर. फिर हम उनको एक दूसरे चैम्बर में शिफ्ट करते हैं इन दो गैसेस इस गैसियस मिक्सचर को विच इज कॉल्ड एज कंडेंसर. तो कंडेंसर में क्या होता है कि ओनली द अमोनिया इट गेट्स कंडेंसर इट्स कंडेंसर. तो यहां पर कंडेंस होता है NH3 अमोनिया कंडेंस होता है तो उसको हम सेपरेटली ऑब्टेन करते हैं एंड द टू गैसेस जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दे आर सब्जेक्टेड बैक टू द कंप्रेसर. This is the diagrammatic representation of the manufacture of ammonia by Haber's process. तो Haber's process में हमने क्या किया, हमने दो गैसेज लिए that's hydrogen and nitrogen, उनको हमने सबसे पहले purify किया, फिर उनको हमने dry किया, then they are subjected to another chamber which is called as the compressor. Compressor में हमने उनको very high pressure दे दिया and during that high pressure they start reacting with each other at the very high pressure. These are first compressed at a very high pressure of about 200 atmospheres and then they move into the chamber which is called as a catalytic chamber and wo catalytic chamber jo hai it is packed with the catalyst that's iron and molybdenum as promoter. Wahan par reaction ho jati hai between the hydrogen and the nitrogen and the ammonia is formed. Wahan par basically a gaseous mixture banta hai kyunki jo ye reaction hai it is reversible in nature. It gives me hydrogen, nitrogen and the ammonia as a mixture and then it is subjected to another chamber which is called as the condenser. So we have number third point jo hai isme, first humne purify kiya, dry kiya, then apply the high pressure, then subjected to the catalytic chamber. Where the reaction between the two gets completed and results the formation of a catalytic chamber where a gaseous mixture is formed.
उसके बाद क्या होता है कि देन दिस गैसियस मिक्सचर इट मूव इनटू द अनदर चैम्बर व्हिच इज कॉल्ड एज द कंडेंसर वेयर ओनली द अमोनिया इट गेट्स कंडेंसर लीविंग बिहाइंड द टू अनरिएक्टेड गैसेस दैट्स हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन दे विल मूव बैक एंड द रिएक्शन एंड द प्रोसेस गोज ऑन इन द देन द मिक्सचर passes into the condensing chamber where only ammonia gets condensed and jo wo hydrogen aur nitrogen jo hai they will move back to the compressor and the process goes on. This was all about the manufacture of the ammonia by the Haber's process. Inshallah, in the next video lecture we will go through the physical and the chemical properties of ammonia. These are the various methods of preparation of ammonia. Thank you so much.